बहुत सारे केस बाय केस लिस्ट वायरल भी थी, इसके बाद भी हमने बहुत सारी लिस्टें निकाली है। 40 करोड़ के पेपर तो हमारे हाथ लग चुके, वो फर्म एक महीने के अंदर चले हुए नहीं हुआ, 3.5 करोड़ का रिफंड अप्लाई कर रही है और उसको 1 घंटे में पास किया जा रहा है और कसूरवार सीए। उस दुकान पे डेली 1 करोड़ की सेल और जीएसटी ऑफिसर ने विजिट करी और उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसकी आगे फूटी हुई थी 8x8 की दुकान पे कनॉट प्लेस के अंदर। आप 1 करोड़ की सेल दिखा दो, मुझे नाम बदल दूंगा मैं अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हटा दूंगा अपने नाम से। मैं क्विकली 2 मिनट के अंदर फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारे केस बाय केस लिस्ट वायरल भी थी, इसके बाद भी हमने बहुत सारी लिस्टें निकाली है। 40 करोड़ के पेपर तो हमारे हाथ लग चुके हैं, 40 करोड़ के मंथली बेसिस पे करप्ट ऑफिशियल इनोसेंट सीएस को ट्रैप करते थे। एक सर्टिफिकेशन जरूरी होता है जब एक लेवल से ऊपर का रिफंड होता है, हमारे इनोसेंट सीएस से सर्टिफिकेशन हुए, रजिस्ट्रेशन देने वाला डिपार्टमेंट, रिफंड देने वाला डिपार्टमेंट, एक एक दो दो घंटे में अप्रूव करने वाला डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन के रिटर्न इस टाइम पे जाएगी, उसका वॉयलेशन करवाने वाला डिपार्टमेंट, और कुछ नहीं मिला। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने स्केपगोट बनाया चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई को। ऐसे ऐसे केस है, हम जा रहे हैं अब तो जहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ मौके पे जाके देखते हैं 8x8 की दुकान। उस दुकान पे डेली 1 करोड़ की सेल और जीएसटी ऑफिसर ने विजिट करी और उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसकी आगे फूटी हुई थी 8x8 की दुकान पे कनॉट प्लेस के अंदर। आप 1 करोड़ की सेल दिखा दो, मुझे नाम बदल दूंगा मैं अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हटा दूंगा अपने नाम से। 1 करोड़ की सेल हो रही है 8x8 की दुकान पे और उस पर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन दे रहा है। वो दुकान, वो फर्म 1 महीने के अंदर चले हुए नहीं हुआ, 3.5 करोड़ का रिफंड अप्लाई कर रही है और उसको 1 घंटे में पास किया जा रहा है और कसूरवार सीए है, स्केपगोट सीए है, हेडलाइंस में सीए अरेस्ट हुआ। घोटाला सीए ने किया, घोटाला सीए ने किया, ये घोटाला किया भ्रष्ट अधिकारियों ने, ये घोटाला किया उन अफसरों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया। और अगर इस घोटाले को सीरियसली नहीं लिया गया, एक एक गरीब आदमी जो पूरे दिन का 1 मील खाता है, चावल खरीदता है, उस पर भी जीएसटी जाता है। इनकम टैक्स की डकैती तो बहुत बाद में आती है, जीएसटी की डकैती सीधा सीधा बिना अप्रत्यक्ष हाथों से आम आदमी की जेब में चोरी है। और ये चोरी सीए ना करता, ना करवाता, ना करवाई, ये चोरी कर रहा है डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए कुछ चुनिंदा भ्रष्ट ऑफिशियल। और अगर उनको ट्रांसफर से, सरकार को ये लगता है उनके ट्रांसफर से हमारे देश का भला कर देंगे, तो मैं ऐसी सरकार के लिए एक ही सवाल करना चाहूंगा कि हमारे देश, हमारे एफर्ट, हम बिल्डिंग नेशन का हमारा टाइटल होता है, हमारे एफर्ट, हम गैर सरकारी संस्थान है, हमारे एफर्ट को क्यों नाली में डाल रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं, सस्पेंड नहीं, उनको इमीडिएट बेसिस पे अरेस्ट करना चाहिए। और ऐसे एक भ्रष्टाचारी अधिकारी का एग्जाम्पल बनेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं डिपार्टमेंट के अंदर भी 90% लोग ईमानदार है, लेकिन ये 10% जो भ्रष्टाचारी है उनको इतना तंग करके रखते, इतना तंग करके रखते कि वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ उन अधिकारियों को भी कहूंगा हम आपके साथ हैं, हम करेंगे पब्लिक, हम लेंगे नाम, हम करवाएंगे अधिकारियों को अंदर, हम उठाएंगे मिसाल। और ये जो दीमक लगाई है डिपार्टमेंट के अंदर और ये जो बट्टा लगाया है सीए के कॉलर के ऊपर, सीए की छवि के ऊपर इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इसको हम साफ करेंगे, हम बेड़ा उठाएंगे। सीए एकता जिंदाबाद, सीए एकता जिंदाबाद, सीए एकता जिंदाबाद। अच्छा ये इससे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इसी जीएसटी से पहले एक्साइज भी होता था, वैट भी होता था, एमसीए है भी आज की डेट में, और इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसमें हजारों सर्टिफिकेट हम देते हैं, कभी किसी एजेंसी ने वो हम पे इतना हमारी प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करते हैं, कभी किसी सीए का कॉलर पकड़ा? और ये लोग हमारे सीए भाई को बुला के गैर टाइम नंगा करते डिपार्टमेंट में, ये अत्याचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी, जो चोर जो सरकार के खाते में डाका डाल रहे हैं, वो अधिकारी हमारे व्हाइट कॉलर सीए भाइयों को उठा के नंगा करेंगे, उनसे कन्फेशन लेंगे कि उन्होंने किया। और अब
उनके अपने गुर्गे आके अपने आप आत्मसमर्पण करेंगे। अभी सुना है जिसने चोरी करी आत्मसमर्पण कर दिया, आज उनके गुर्गे आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तीन अधिकारी, तीन बंदे आके सरेंडर कर चुके हैं। कल की न्यूज है कि तीन बंदे आके खुद सेल्फ सरेंडर कर चुके हैं और ये बोल चुके हैं जी हम कल्प्रिट है। अभी तक वो कहां थे? मैं सरकार से पूछता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं सर, हमारी लड़ाई जीएसटी के खिलाफ जरूर है। आपको पता है सर चाइना वाले केस में क्या हुआ, एसएफआईयू में क्या हुआ? सारे सीएस को नोटिस दे दिया, चाहे वो कंपनी चाइनीज से रिलेटेड थी नहीं थी। चार केसेस तो मेरे पास आए जिन्होंने बोला भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो भैया जो आप ये बात बोल रहे हो ना भैया, पर्पस ये है, सीए प्रोटेक्शन बिल का पर्पस क्या है? अगर मैं काम सही तरीके से कर रहा हूँ, जो काम मुझे बोला गया है मैं उस तरीके से ही कर रहा हूँ, तो मुझे आप टच नहीं करेंगे, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर मैं अपने एसओडब्ल्यू से बाहर जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो काम पूरा नहीं कर रहा, तो आप मुझे पकड़े। तो मेरा पर्सनल है कोशिश ये है कि सर आज की डेट में जीएसटी का इंसिडेंट हुआ, फरीदाबाद में हुआ, मैं एसएफआई को बता रहा हूँ आपको, और मैं आप सबको अभिनव भाई, प्रीतम भाई, नव्या, गौरव भाई, आप सबको मैं बता रहा हूँ, नवीन भाई, आप सारे के सारे यहाँ पे खड़े हो, मैं बता रहा हूँ सर डिपार्टमेंट को आपको टेकअप करना पड़ेगा मैटर को, कि सर जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम आपके साथ हैं। आज आप जीएसटी की बात कर रहे हो, कल आप एसएफआईओ की बात करोगे सर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं बार बार कह रहा हूँ सर, प्लीज वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर 2022 में आपकी एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे, आप ये आवाज उठाएंगे और आप मुझे बोलेंगे सर हमें सर सीए प्रोटेक्शन बिल चाहिए। अगर दो जगह भी बन गया ना सर, तो हमारा काम हो जाएगा।